अब दिल्ली से सीधे आपको भोपाल लिए चलते हैं। भोपाल में मेरे सहयोगी अखिलेश सोलंकी मौजूद है। अखिलेश, वहां पे किस तरीके की तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल, ये तस्वीर इस वक्त भोपाल से मैं आपको दिखाता हूँ और ये देखिएगा किस तरह से 5000 से ज़्यादा महिलाओं की भीड़ यहाँ पर मौजूद है और कुछ महिलाओं से हम बात करने की कोशिश भी करेंगे साथ साथ में। तो आप देख सकते हैं भोपाल में जो तैयारी है, और हमारे साथ इस वक्त विधायक कृष्णा गौर मौजूद हैं जो कि पूरी व्यवस्थाओं का यहाँ पर जायजा ले रही हैं। 5000 से ज़्यादा महिलाएं एक साथ एक जगह इकट्ठी हुई हैं और बड़ा दिन है आज बीजेपी के लिए और मोदी साहब के लिए। बिल्कुल, और खासकर महिलाओं के लिए भी, और ये महिलाओं के प्रधानमंत्री जी के प्रति और मुख्यमंत्री जी के प्रति विश्वास है। जो सम्मान हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने देश और प्रदेश की जनता को, महिलाओं को दिया है, उसकी परिणति आज इस स्वरूप में हमको दिखाई दे रही है। आज प्रधानमंत्री जी के मन की बात का 100वां एपिसोड है। एक आवाज़ हमने लगाई कि प्रधानमंत्री जी के मन की बात तो हम बहनों के साथ सारी एक साथ सुनेंगे, और आज इतनी बड़ी संख्या में बहनें यहाँ उपस्थित हो गई हैं। 5000 से ज़्यादा महिलाएं यहाँ पर हैं, और अगर इंस्पिरेशन की बात करें तो कोई ऐसी बात जो प्रधानमंत्री जी के मन की बात का एपिसोड आपको याद हो, जो आपको इंस्पायर करता है? बहुत, हर एपिसोड में प्रेरक बातें उन्होंने बताई है, और मुझे खुशी इस बात की है कि ऐसे लोगों का चित्रण, उल्लेख उन्होंने मन की बात में किया जो प्रचार प्रसार के लिए काम नहीं करते थे, बल्कि परिवार, समाज, देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते थे। तो एक प्रकार से हर देशवासी के लिए ये बहुत बड़ी प्रेरणा थी कि हम अपने देश के प्रति भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। हम अधिकार की बात तो करते हैं, लेकिन कर्तव्य कितना निभाते हैं? ऐसे कितने लोग देश भर में हैं जो अपना कर्तव्य निभाते हैं? तो मुझे लगता है कि हर एपिसोड प्रेरणादायक था, हर एपिसोड से कुछ ना कुछ सीखने का हमें देखने को मिला। महिलाओं के लिए स्व सहायता समूहों के माध्यम से जिस प्रकार से महिलाएं आज करोड़ों रुपए का टर्नओवर कर रही है, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा एपिसोड उस समय लगा था जब केरल के एक गांव में स्व सहायता समूह का लाभ लेकर महिलाएं अपनी आजीविका चला रही है, और कोई प्रचार प्रसार नहीं, लेकिन जिस प्रकार से वो काम कर रही है, स्वयं ना रोजगार लेती लेकर बल्कि कई बहनों को रोजगार देने का काम कर रही है। ठीक, तो ये वास्तव में हमारे लिए सीखने की बातें। जितनी महिलाएं यहाँ पर जुटी हुई हैं और उत्साह भी उतना ही है, 5000 से ज़्यादा, तो नीचे एक हॉल में भी महिलाएं मौजूद हैं, ये मैसेज कितना पास, क्योंकि इलेक्शन का ईयर है, भले चुनावी कार्यक्रम नहीं है लेकिन असर तो होता है ज़मीन नहीं। ये मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र की बात अगर करूं, क्योंकि ये आज बहनें सब गोविंदपुरा की हैं, ये प्रधानमंत्री जी के प्रति, मुख्यमंत्री जी के प्रति इस क्षेत्र की जनता का बहुत बड़ा विश्वास है। हमने देखा है कि किस प्रकार से बहनों की, बेटियों की चिंता करने का काम हमारी सरकारों ने किया है। ठीक है अखिलेश, आज महिलाएं आपके पास, बेटियां, मध्य प्रदेश में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, और इस वक्त मेरे साथ